हाय गाइस, तो अब बन रहा है कढ़ी चावल। और आप कहेंगे कि इतना सारा कढ़ी, मतलब दो बर्तनों में अलग अलग कढ़ी बन रही है, क्यों? क्योंकि ना हम जाने लगे हैं, हमारे यहाँ टैगोर गार्डन में पीर बाबा जी मंदिर है जहाँ पे बहुत मानता है, और आज के दिन वीरवार के दिन वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, और हमने कहा आज मत्था टेकने जा रहे हैं, तो साथ में हम अभी से नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम मतलब आप अब से शुरू नहीं हुआ है, हमें 20-25 साल पहले से हम वहां जाते हैं, लेकिन बीच में हमारा बिल्कुल कंटिन्यूटी कम हो गई थी, तो अब फिर शुरू हो गई है, तो हम चाहते हैं कि अच्छा है हमारा इन चीजों में भी काम में मन लगा रहे। और पता है क्या है, सब कुछ करते हैं हम, हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं, पर इन चीजों के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी सी आती है, आपको अच्छा लगता है किसी के लिए बनाना। हम रोज खुद के लिए बना के खाते हैं, तो कभी जो दान हमसे हो सके, किसी गरीबों के लिए बन सके खाना, तो ये भी अपनी किचन में जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी किचन में भी पॉजिटिविटी आती है, आपकी किचन में भी अच्छा सा माहौल बना रहता है कि आप कितने लोगों के लिए अगर कुछ भी बना रहे हो, चाहे थोड़े से लोगों के लिए बना रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके घर से भी लंगर करवाना बहुत अच्छा होता है। तो बस तैयारी हो रही है, कढ़ी बन चुकी है, और मैं सोच रही हूँ कि एक और बर्तन रख लूँ कढ़ी का, कि कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि घर में भी लंगर प्रसाद थोड़ा तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट हम बाहर करके आएंगे तो घर में भी होना चाहिए, तो मैं एक बर्तन सोच रही और रख देती हूँ। तो आप भी बताते हैं तो आप भी बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है और आप क्या क्या सोचते हो ऐसा करने का, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कमेंट्स में पता चलता है कि लोग क्या क्या सोचते हैं और कैसा कैसा करते हैं, तो सुन के भी अच्छा लगता है और करने का भी मन करता है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज सुबह सुबह उठ के मौसम इतना प्यारा हो रहा है, लेकिन बस बाढ़ की वजह से थोड़ा सा ये लग रहा है कि प्रॉब्लम ना हो, दिल्ली में सब सेफ रहें, तो वैसे वेदर अच्छा है, हवा भी अच्छी चल रही है और सब अच्छा लग रहा है। आजकल मौसम तो बहुत ही प्यारा प्यारा हुआ हुआ है, और यहाँ निकल आई है हमारे करेले पे फूल निकल आया है, तो मतलब करेले की बेल पे फूल निकल आया है, तो करेला आने की उम्मीद पूरी पूरी हो चुकी है। जब करेले उगेंगे तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मुझे तो इसे देख के बहुत बहुत खुशी होती है। और जब भी हमारे घर में गीता आती है ना सुबह काम करने के लिए, तो सबसे पहले आधा घंटा इन्हीं को देखती है, उसके बाद वो एंटर करती है घर में। छोटू बारिश देख रहे हो? ये घबरा गया, ये इसके ना पंख जैसे ही लगे ना, पंख कट गया, हो रहा है कि जान है, करो यहाँ करो इसके, ये मुझे लग रहा है घबरा गया, मैं भी ठीक हो जाए। हाँ, मैं भी ठीक हो जाए। और इसने चोंच भी तो खोली अपनी, पानी लाना, पानी पानी दे, ऐसे डाल, मोटी बूंद गई, बूंद गई। तो आज सुबह से ही घर क्लीनिंग का काम चल रहा है, क्लीन तो हुआ पड़ेगा, लेकिन ना जो ड्रॉर्स है ना, वो हमेशा क्या होता है, हम बहुत सारा सामान डाल देते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं और बहुत क्लटर हो जाते हैं। तो अब मैंने आज इस बास्केट को जो मंगवाया था, ये मैंने मंगवाई थी जेप्टो से, और ये मुझे उस पर बड़ी रिजनेबल मिली, तो ब्लिंकिट से मंगवाई थी, तो एक जेप्टो से भी तो मंगवाई थी ना, तो ये ब्लिंकिट की अच्छी थी बास्केट, इसमें मैंने सारा भगवान जी का सामान रख के इस बास्केट को बंद कर दिया, और यहाँ से मैं पेंसिल इकट्ठे करके वो भी संभालने जा रही हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ, एक तो पता नहीं आजकल हाल क्या है कि बाढ़ आई पड़ी है, क्या होगा, दिल्ली का समझ ही नहीं आ रहा, कि रात को कह रहे हैं कि और ज़्यादा बाढ़ बढ़ने के, मतलब पानी बढ़ने के चांसेस हैं, और आज तो ये शॉप पे भी गए हुए हैं, एक तो हस्बैंड मानते नहीं है ना, उन लोगों को समझाओ तो, मैंने अभी कॉल किया तो बोलते हैं हाँ हाँ कुतुब मीनार डूब चुका है, अब पानी वहाँ तक आने वाला है, तो मतलब इन लोगों को कोई बड़ा लीनियंट लेते हैं इन चीज़ों को, चाहे 100 बार फ़ोन करके इन लोगों से पूछो कि भाई क्या प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, पर ऐसा अभी कोई हालात वहाँ ऐसे नहीं है, जाइए जा रहे हैं तो वहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए तो बस अब मैं फटाफट से काम करती हूँ, क्योंकि ना आज मैंने सोचा है कि आज आपके साथ एक चिकन की रेसिपी शेयर करूँ,
क्योंकि वो चिकन की रेसिपी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी और बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत यमी बनता है। तो आज मैं आपके साथ वो चिकन की रेसिपी वो करूँगी, लेकिन अभी नहीं, शाम को। तो सुबह तक जितना भी काम है पहले निपटा लेते हैं। आज जितना भी घर की क्लीनिंग है पूरी करके छोड़ूंगी। बच्चों ने अपने कवर्ड स्टार्ट कर दिए क्लीन करने और मैं अपने ड्रॉर्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ, तो उसके बाद हम करेंगे ये सब। बाढ़ आ जाएगी कहाँ? बादल फटा तो कहीं बादल भी फटा है, पता नहीं, हमने तो नहीं देखा न्यूज में। गाइस तो अब बस अभी इनको कॉल किया है और बारिश बहुत ज्यादा है और अभी 7 बजे ही इतना अंधेरा हो चुका है दिल्ली में क्योंकि बारिश की वजह से, और बारिश रुकने का ही नाम नहीं ले रही। बादल इतनी तेज तेज कड़क रहे हैं कि मैंने अभी इनको कॉल किया कि अब आप कहाँ पे हो ये बताओ, क्योंकि शॉप से निकले हो, क्या करना है। तो कह रहे मैं शॉप से निकल चुका हूँ, मेट्रो में बैठ चुका हूँ, तो अब हम तैयारी करते हैं आज चिकन बनाने की। तो आज बना रहे हैं हम मुगलई चिकन। तो मुगलई चिकन दही वाला चिकन, फुल प्रोटीन वाला, तो ज़रूर देखते रहिएगा। चिकन की रेसिपी बहुत ही बढ़िया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखना। तो फटाफट से रेडी करती हूँ, फिर ये आ जाएंगे शॉप से, तो डिनर बना होगा तो ईजी रहेगा। वैसे भी 7:30 बज चुके हैं तो जल्दी से बनाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं दही चिकन, जो कि बड़ा ही फेवरेट होता है लोगों के चिकन में, मतलब डाइजेशन की अच्छी वो रहती है, नहीं तो चिकन हो जाते हैं ज़्यादातर करी वाले हैवी। तो ये है डाइजेस्टिव चिकन, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और आपको फील भी नहीं होता कि आपने कुछ ऐसा खा लिया है। प्रोटीन के साथ आपके अंदर कोई भी ऑयल कम जाता है तो वो वैसे ही अच्छी लगती है चीज़। तो चलो जल्दी से बनाते हैं इसको। दही चिकन बनाने के लिए हम सबसे पहले तो जो जो इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं वो आपको दिखा रही हूँ। चुके हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, अब इनको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ 1/2 कप दही, इसको मैंने यहाँ ब्लेंडर में डाल दिया। और यहाँ पे लिया मैंने धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी आता है अदरक लहसुन का, तो वो ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे फ्लेवर एनहेंस होकर आते हैं अगर आप कोई फ्रेश चीज़ से बनाते हैं। तो अब इसको फटाफट से ब्लेंड करते हैं। सबसे पहले इसको इसमें डालते हैं जार में। सबसे पहले मैं डालती हूँ रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा मत डालो, वैसे ही रेड चिल्ली पाउडर अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। और थोड़ी सी हल्दी, उसके बाद हम डालेंगे ये जो ब्लेंड किया हुआ मसाला है, जो हमने सारा ब्लेंड किया है, इसको यहाँ पर पोर कर देंगे। कुर्ते से मैचिंग, हाँ कुर्ते से मैचिंग कलर हो गया इसका। मिर्च डालेंगे जिससे कि कलर अच्छा आएगा, पोर अच्छा लगता है। थोड़ा सा ही डालना है देखिए मिर्च को। तो अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं। फिफ्टीन मिनट्स के लिए मैरिनेशन के बाद इसे फ्रिज में रख रही हूँ जिससे कि ये मैरिनेट अच्छे से हो जाए। लेकिन कर सकते हो तो आप 1 घंटे का मैरिनेशन रखो, तो उससे क्या होगा कि आपका और अच्छा चिकन बन जाएगा। लेकिन मैं हो रही हूँ लेट और हस्बैंड आने वाले हैं, तो उनके लिए डिनर रेडी करना है, तो मैं जा रही हूँ इसे फ्रिज में रखना है। ठीक है, तो अब ये जो हमने बादाम, जीरा, धनिया, बिना पिसा हुआ धनिया और साबुत धनिया मतलब की, और लाल मिर्चें और काली मिर्च, ये जो हमने सब लिया है, अब इसको हम 2 मिनट या 3 मिनट के लिए भून लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट हो जाए ये चीज़ें। तो बादाम से थोड़ा ये और थिक हो जाएगा और ग्रेवी अच्छी बनेगी और ऊपर से आपको हाई प्रोटीन चिकन खाने को मिलेगा, तो अच्छा है ये सब। तो इसीलिए हेल्दी खाने के लिए आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे बच्चे खाते नहीं हैं बादाम, या टाइम नहीं होता, खा भी लें लेकिन इतना बच्चों के पास टाइम नहीं है। तो इसमें क्या है कि आपके बादाम चीज़ें जो भी आप इतना अच्छा डाल रहे हैं, और चिकन हो गया, दही हो गई, ये सब चीज़ें एक साथ बच्चों को खाने को मिल जाएंगी, तो और भी अच्छा रहेगा कि हमें लगेगा बच्चों ने एक सॉलिड डाइट अपने डिनर में ले ली है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और अच्छे से इसका पाउडर बना लेंगे, जो पतले पतले काटे हैं, मतलब आप बहुत थिन स्लाइसेस लेना है इसके। और इसको 2-3 मैंने प्याज लिए, काटे तो मैंने 4 थे लेकिन लिए मैंने 3 है, क्योंकि मुझे लग रहा है सफिशियंट है, क्योंकि मेरा अनियन बड़ा भी था, तो इस मतलब इतनी क्वांटिटी अनियन की होनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया देसी घी। तो देसी घी में एक तो देखो यहाँ पर भी आपके पास चीज़ अच्छी होगी, सरसों के तेल में बनाइए या देसी घी में बनाइए, लेकिन देसी घी से और अच्छा है कि बच्चों के लिए फिर वहीं पर आ जाता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू सारी इसी में एक ही चीज़ में आपको मिल जाएंगी। तो अब मैं डाल रही हूँ इन अनियन को
रोस्ट होने के लिए, मतलब एक ब्राउन ब्राउन करने के लिए, अनियन ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन। जिसमें मैंने अनियन फ्राई किए थे, अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, जो साइडों में मसाला लगा हुआ है वो अच्छे से इससे आ जाएगा। और स्पैचुला से मैंने इसको सारा क्लीन कर लिया, मसाला वेस्ट ना जाए। तो ये देखिए ये हो गया। उसके बाद जो हमारा, मैंने आपको बताया कि एक कप है, आधा कप बची है, इसको भी हम सीधा ऐसे ही इसमें डाल देंगे। जो हमने बादाम का पाउडर बनाया था उसमें, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया और एक कप दूध भी ऐड कर दिया। और उसके बाद इसका थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। और अभी एक चीज़ और रह रही है इसमें डालनी, वो है हमारे फ्राइड अनियन। तो फ्राइड अनियन को हम ऐसे करके इसमें डालेंगे। थोड़े गर्म है क्योंकि मैंने अभी अभी फ्राई किए हैं, तो जितना हो जाएंगे उनको क्रश करते हैं। अगर मैं थोड़ी देर और रखती तो शायद मैं इसे और अच्छे से क्रश करती। तो उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा पानी जिसमें कि ये स्टीम हो सके। फिफ्टीन मिनट्स हम रख देंगे मीडियम उस पर फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे रख देंगे 10 to 15 minutes, कि जैसे कि देख लेंगे एक बार कि चिकन पका है कि नहीं। तो 10-15 मिनट्स रेस्ट करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं अंदर और थोड़ी देर में आके से चेक करते हैं। तो चिकन बहुत ही टेस्टी बना है, मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, बहुत ही यमी है। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बाय।